गाइस, अगर आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और अमेरिका में $2,000 की, और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी नौकरी आप चूज करेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा $2,000, क्योंकि $2,000 आज के इंडियन रुपीस के मुकाबले 1,62,000 रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब आप दो देशों के बीच सैलरी कंपेयर करते हैं, तो आपको पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको किसी भी दो सेम चीज की प्राइस को कंपेयर करके बता देता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया में मिल रही 1 लाख रुपए की सैलरी को अमेरिका की $2,000 की सैलरी से कंपेयर करना हो, तो आप पीपीपी कैलकुलेटर पर इन दोनों देशों में मिलने वाली सैलरी का अमाउंट डाल दीजिए, और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए वाली सैलरी अमेरिका के $4,321 की सैलरी के बराबर है, यानी कि अमेरिका की $2,000 की नौकरी से दुगनी। यानी कि आप अगर $2,000 की नौकरी चूज करते हैं, तो आपको भयंकर नुकसान होता, पैसे भी नहीं बचते। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, आजकल हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले जहां पर ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए आम बात थी, लेकिन अब तो 20 से 21 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और इसमें भी अगर आपको सीने में दर्द, गर्दन में दर्द, जबड़े में दर्द या ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो इसे सिर्फ नॉर्मल से सिम्टम समझकर इग्नोर करने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि औरतों को चेस्ट पेन उतना नहीं होता जिससे हार्ट अटैक का पता किया जा सके, लेकिन उन्हें डिजीनेस, नोजिया, बैक पेन, नेक पेन जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। डॉक्टर्स की माने तो इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, जिसमें आपको बाहर का खाना कम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, स्क्रीन टाइम को भी कम करना होगा, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि खून का रंग तो लाल होता है, लेकिन फिर भी हमारी नसें हरी, नीली या जामुनी रंग की क्यों दिखती हैं? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे खून के लाल दिखने का कारण है हीमोग्लोबिन, जिसमें मौजूद परमाणु उस लाल रंग को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी नसों का हरा, नीला, जामुनी दिखने के पीछे की वजह तो कुछ और ही है। असल में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये मात्र एक इल्यूजन है, क्योंकि हमारी नसें हमारी त्वचा के बहुत नीचे हैं, और इतने परतों के नीचे होने के कारण हमारा रेटिना उन्हें अलग अलग रंगों में देखता है। जैसे कि गहरे रंग की स्किन पर आपको नसें हरे रंग की दिखाई देती हैं, तो वहीं हल्के रंग की स्किन पर आपको नसें नीली या जामुनी रंग की दिखती हैं। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक नसों के रंगों के पीछे की असली वजह जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आजकल हमारे देश में अच्छी नौकरी और समाज में खुद को ऊंचे दर्जे का साबित करने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा को बड़े गर्व से अपना रहे हैं, वहीं हिंदी, संस्कृत और अपनी स्थानीय भाषाओं को बोलने में झिझकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा के एक रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातचीत के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी वाक्य का एक से अधिक मतलब निकलने पर कभी कभी AI उसे गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि संस्कृत में एक वाक्य का एक ही मतलब निकलता है, जिससे AI में भाषा को प्रदर्शित करने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सब मुमकिन है हमारी संस्कृत व्याकरण की वजह से। तो अब सब गर्व से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी होनी ही चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।